अब यदि हम अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग को कंपेयर करें तो जो कॉन्सेप्ट हम लोग संपीड़न के लिए ले रहे थे यानी कि अधिक घनत्व के लिए, वही कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं श्रृंग के लिए, यानी श्रृंग में हम देखते हैं अधिकतम ऊंचाई आपको नज़र आएगी। जिस कॉन्सेप्ट के लिए हम विरलन शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि कम घनत्व जहाँ पर हो रहा था वहाँ हमने विरलन शब्द का प्रयोग किया था, तो जब हम अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो वहाँ पर हम गर्त शब्द का प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार इन दोनों तरंगों को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन तरंगों से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम जानते हैं। पहला टर्म है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य यदि आम शब्दों में समझें तो ये तरंग की लंबाई है, पर ये तरंग की लंबाई यानी कि तरंग की दूरी कहाँ से कहाँ तक नापी जानी चाहिए? दो क्रमागत संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी हम लें तो वो कहलाती है तरंग दैर्ध्य। जिसे इस चित्र में हम देखें तो दो संपीड़न, लेकिन ये दो संपीड़न क्रमागत होने चाहिए, दो क्रमागत संपीड़न लें या दो क्रमागत विरलन लें, ये दोनों सेम ही होते हैं, इनके बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और यदि अनुप्रस्थ तरंग के लिए देखें तो दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, और इसे हम एक स्पेशल चिन्ह से दर्शाते हैं, इसे हम लैम्डा के द्वारा दर्शाएंगे। ये जो चिन्ह दिख रहा है बच्चों उल्टा वाई जैसे, इसे हम लैम्डा कहते हैं। दूसरा है आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। बच्चों हमने जाना कि जब ध्वनि संचरित हो रही है किसी माध्यम में तो कण अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन कर रहे हैं, तो माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होगा कंपन का, मतलब कण जितनी अधिकतम दूरी तय करेगा माध्य स्थिति के, वो कहलाता है उस तरंग का, ध्वनि तरंग का आयाम। जैसे अगर चित्र में देखें तो यहाँ हम अनुदैर्ध्य तरंग के लिए लेकर देखते हैं, तो ये कण मान लीजिए इस माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन जो तय किया, इसने तो बहुत सारे विस्थापन तय किए हैं, लेकिन माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन तय किया वो इस तरंग का आयाम कहलाता है। ये आयाम चाहे माध्य स्थिति के एक ओर देखें चाहे दूसरी ओर देखें, वो सेम ही रहता है, क्योंकि कंपन माध्य स्थिति के दोनों ओर बराबरी से ही कंपन करता है, या यूँ कहे कि उसका विस्थापन दोनों ओर बराबर ही होता है। तो जो अधिकतम विस्थापन है इसके बीच की स्थिति से, माध्य स्थिति से, वो कहलाता है इसका आयाम। नेक्स्ट है आवर्त काल। काल मतलब होता है समय, और किसी भी ध्वनि तरंग को एक संपीड़न और एक विरलन किसी भी बिंदु से या एक स्थिति से पार करने में जितना भी समय लगेगा वो कहलाता है उसका आवर्त काल यानी कि टाइम पीरियड। ये हम ध्वनि तरंग के लिए बात कर रहे थे, इसलिए संपीड़न और विरलन के रूप में बात कर रहे हैं बच्चों, लेकिन जब आप इसको अनुप्रस्थ तरंग के लिए कहेंगे आवर्तकाल, तो उस समय किसी भी बिंदु से एक श्रृंग और एक गर्त को पार करने में जितना समय लगेगा वो कहलाएगा आवर्तकाल। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी थी बच्चों, जब हम अनुप्रस्थ तरंग के लिए श्रृंग कहते हैं तो वो अनुदैर्ध्य तरंग के लिए संपीड़न होता है, और जब हम अनुप्रस्थ तरंग के लिए गर्त कहते हैं तो वो अनुदैर्ध्य तरंग के लिए विरलन होता है। और ये जो टर्म्स हैं जो मैं आपको बताते जा रही हूँ वो दोनों तरंगों के लिए मैं एक साथ ही बता रही हूँ, तो अभी फिलहाल इस चैप्टर में हम ध्वनि तरंग की बात कर रहे हैं इसलिए हम संपीड़न और विरलन के रूप में ले रहे हैं, पर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आप जब अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे, तब आप जानेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये उसके लिए भी है। ये जो सारे टर्म्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो अनुप्रस्थ तरंग के लिए भी लागू होते हैं। वैसे बच्चों अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण में लाइट आता है यानी कि प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग हैं जो कि श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है, पर बच्चों जब हम लाइट तरंग की बात करते हैं यानी कि प्रकाश तरंग की, तो ये ऐसे तरंग होते हैं जिनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा है बच्चों जो सूरज से आने वाला प्रकाश है वो हम तक बिना किसी माध्यम के पहुंच जाता है, क्योंकि सूरज से लेके हम तक बीच में ब्रह्मांड में निर्वात ही है, क्योंकि ये जो वायु का आवरण है यानी वायुमंडल वो तो पृथ्वी की कुछ ही दूरी तक है, फिर सूरज जो हमसे इतने हजारों प्रकाश वर्ष दूर है
उसकी रोशनी हम तक कैसे आ जाती है। तो जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग तो है ही, पर वो एक ऐसा तरंग है जिसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और इसके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हम इतना जान लेते हैं, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग का वेग वायु या निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि ये 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वायु या निर्वात में गमन कर सकती है। निर्वात शब्द उस जगह के लिए उपयोग में होता है जहाँ पर कोई भी माध्यम ना हो, मतलब वहाँ पर हवा तक ना हो, उसके लिए हम निर्वात शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो वायु हो या निर्वात हो, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या यूँ कहे 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में प्रकाश 300,000 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। जबकि हम ध्वनि तरंगों की बात करें बच्चों, तो वायु में ध्वनि तरंगों का वेग 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मतलब यदि हम इसकी तुलना लाइट के वेग से करें तो ये बहुत ही कम है। और बच्चों, ये लाइट वेव और साउंड वेव दोनों के वेग में अंतर को जानने का सबसे अच्छा उदाहरण है दो बादलों का आपस में टकराना। जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो हमने देखा है कि उसमें से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो दो रूपों में होती है, यानी कि बिजली हमको दिखाई भी देती है और थोड़ी देर बाद हमको सुनाई भी देती है। तो आप ये बताइए, दिखाई देता है कि सुनाई देता है? पहले हम बिजली को चमकते हुए देख पाते हैं, एक तेज रोशनी आसमान में हमको दिखाई देती है, और थोड़े देर बाद हम सुने बादलों के टकराने की आवाज़, यानी गड़गड़ाहट हमको सुनाई देती है। वो इसलिए होता है क्योंकि लाइट का वेग अधिक है, वो पहले हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, लेकिन ध्वनि का वेग कम है तो वो देर से हमारे कानों तक पहुंचता है। इसलिए बिजली पहले हमें चमकते हुए दिखाई देती है और बाद में उसकी आवाज़ हमको सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट टर्म हम पढ़ रहे थे आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम है, यानी कि यदि हम आवर्तकाल का व्युत्क्रम ले लें, उसका उल्टा कर लें, तो जो राशि हमें प्राप्त होती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में विरलन और संपीड़न की संख्या कहलाती है आवृत्ति। मतलब एक सेकंड में कितने विरलन और संपीड़न, विरलन और संपीड़न को हम लोग एक कंपन कहते हैं। एक कंपन में एक विरलन और एक संपीड़न होगा, क्योंकि यदि एक बार कंपन होता है तो कण अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है। तो एक कंपन मतलब कहलाता है माध्य स्थिति के दोनों ओर विस्थापन, और दोनों ओर विस्थापन होगा तो उसमें एक विरलन भी शामिल हो जाएगा और एक संपीड़न भी शामिल हो जाएगा। तो एक संपीड़न एक विरलन मिलाकर बनता है एक कंपन। तो एक सेकंड में कंपनों की संख्या, मतलब कितने इस प्रकार के संपीड़न विरलन शामिल हैं, उसे हम कहते हैं आवृत्ति। या हम अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो एक कंपन का मतलब होगा एक श्रृंग और गर्त। तो एक श्रृंग और गर्त की संख्या, मतलब श्रृंग और गर्त को मिलाकर हम एक लेते हैं, और ऐसी संख्या हम यदि काउंट करते हैं तो वो अनुप्रस्थ तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो इस प्रकार हम देखें आवृत्ति बराबर होता है 1/T। आवृत्ति को हम F से भी लिख सकते हैं, ये स्पेशल चिन्ह न्यू से भी दर्शाते हैं, और 1/ टाइम पीरियड यदि करते हैं यानी कि 1/s लिखते हैं तो इसे हम नया मात्रक देते हैं। इसे हम वैज्ञानिक हर्ट्ज के नाम पर हर्ट्ज से डिनोट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक हो जाता है हर्ट्ज। तो बच्चों, इस सूत्र के आधार पर चलिए एक आंकिक प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न, 500 हर्ट्ज वाले तरंग का आवर्तकाल ज्ञात करें। बच्चों, यहाँ पर हमको किसी क्वांटिटी के मात्रक को देके पहचानना होता है
कि वहां पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमें प्रश्न में दी गई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 500 हर्ट्ज, इसका मतलब ये तरंग की आवृत्ति है। तो प्रश्न अनुसार तरंग की आवृत्ति n बराबर 500 हर्ट्ज है और हमें इस तरंग का आवर्तकाल ज्ञात करना है। और सूत्र अनुसार हम जानते हैं t बराबर होता है 1/n, इसमें हम आवर्तकाल t बराबर लिखेंगे 1/500 और इसे हल करेंगे। हल आप किसी भी विधि से कर सकते हैं जैसा कि आपको इजी लगे, क्योंकि एक प्रश्न को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो 1/500 को यदि हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 0.002 सेकेंड। तो इस प्रकार इस तरंग का आवर्तकाल 0.002 सेकेंड होगा। अब बच्चों, हम ध्वनि तरंग के वेग, उसके तरंग दैर्ध्य और आवर्तकाल के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। हम जानते हैं वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। मान लीजिए कि तरंग का वेग v है, तरंग की दूरी यानी कि तरंग का तरंग दैर्ध्य लैम्डा है और समय यानी कि एक तरंग दैर्ध्य को पार करने में लगने वाला समय वो आवर्तकाल कहलाता है। इसे हम t से दर्शाते हैं, तो हम लिखेंगे t। तो v बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन t। तो यहाँ से ये संबंध है वेग, तरंग दैर्ध्य और आवर्तकाल के बीच में। अब हम जानते हैं कि 1/ आवर्तकाल होता है तरंग की आवृत्ति। तो 1/t के जगह लिख सकते हैं हम उसकी आवृत्ति। बच्चों, आवृत्ति को डिनोट करने के 3-4 चिन्ह हैं। आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी, जिसको हम स्मॉल लेटर f से भी दर्शाते हैं, या फिर एक विशेष चिन्ह न्यू से भी दर्शाया जाता है, या फिर ये नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड है यानी कि कंपनों की संख्या प्रति सेकंड है, इसलिए हम इसे इंग्लिश के स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट n से भी दर्शाते हैं। तो बच्चे, जो भी चिन्ह उपयोग में लाएं, आप ध्यान रखिएगा कि 1/ समय यानी कि आवर्तकाल होता है आवृत्ति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे v बराबर n लैम्डा और ये संबंध है तरंग के वेग, आवृत्ति और उसके तरंग दैर्ध्य पर। अब इसी समीकरण के आधार पर, इसी संबंध के आधार पर चलिए एक आंकिक प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न: किसी गैस माध्यम से स्रोत द्वारा 40,000 संपीड़न एवं 40,000 विरलन प्रति सेकंड निर्मित होती है। यदि पहला संपीड़न स्रोत से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो तरंग का वेग ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि आवृत्ति 1 सेकंड में होने वाले संपीड़न एवं विरलन की संख्या के बराबर होती है, अतः आवृत्ति n बराबर 40,000 हर्ट्ज होगी। तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 2 संपीड़न अथवा 2 विरलनों के बीच की दूरी, क्योंकि हम जानते हैं तरंग दैर्ध्य तरंग की लंबाई होती है और तरंग की लंबाई नापने के लिए हम 2 क्रमागत संपीड़न या 2 क्रमागत विरलन के बीच की दूरी लेते हैं। और प्रश्न अनुसार ये 1 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम लिखेंगे 1/100 मीटर। अब हमारे पास सूत्र है वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम इस तरंग का वेग ज्ञात करेंगे। तो वेग बराबर होगा 40,000 × 1/100 और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 400 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों, यहाँ पर हमको वेग का मात्रक लिखना होगा। किसी भी प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं और उसका मात्रक नहीं लिखते तो उस प्रश्न का हल अधूरा कहलाता है। जब तक आप उसके मात्रक नहीं लिखेंगे, आपको इस प्रश्न के उत्तर में फुल अंक प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए आप जो भी राशि ज्ञात करने को दी गई है, लास्ट में उसके आंकिक मान के बाद उसका मात्रक जरूर लिखें। बच्चों, हमारे सुनने की क्षमता के आधार पर ही हम ध्वनि को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है श्रव्य ध्वनि, मतलब वह ध्वनि जिसको हम सुन सकते हैं, और हमारे सुनने की रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है
यानी कि हमारे सुनने की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। लेकिन बच्चों, आपने छोटे बच्चे को जो बिस्तर में सोए रहते हैं और अचानक चमक कर उठ जाते हैं, वैसे ही एक कुत्ते को आपने देखा होगा कि हमें लगता है कि वो आराम से सो रहा है, लेकिन वो भी अचानक से अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी हमारी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी से अधिक होती है। ये 5 साल से छोटे बच्चे और ये कुत्ते भी 25 किलो हर्ज आवृत्ति तक सुन पाते हैं। 20 हर्ज से नीचे की आवृत्ति जो हमें सुनाई नहीं देती, उसे हम अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड। और जिस ध्वनि का रेंज 20 किलो हर्ज से अधिक होता है, उसे भी हम नहीं सुन पाते, और इस ध्वनि को हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक साउंड ये चमगादड़ और डॉल्फिन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड चमगादड़ प्रोड्यूस करते हैं, ये इसी की सहायता से ही अंधेरे में भी उड़ पाते हैं। अंधेरे में उड़ पाते हैं, उन्हें अंधेरे में दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन वो ध्वनि जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी सहायता से ही वो अंधेरे में भी उड़ पाते हैं। ये जो चमगादड़ ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, उसको मौत यानी कि जो छोटे कीड़े हैं वो सुन सकते हैं, इसीलिए वो अपना बचाव कर सकते हैं इन चमगादड़ों से। वो ध्वनि हमें तो सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन वो मौत को यानी कि छोटे कीट पतंगों को वो सुनाई देती है, क्योंकि सभी जीवों की ऑडिबल फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। या हम जो बात कर रहे थे ऑडिबल रेंज जो श्रव्य परास, वो इंसान के लिए, या फिर आम जीव जंतु की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ विशेष जीव जंतु होते हैं जो अल्ट्रासोनिक रेंज या फिर इंफ्रासोनिक रेंज में भी सुन सकते हैं। वैसे अल्ट्रासोनिक रेंज के बहुत सारे उपयोग हैं। ये जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि होती है, साउंड होती है, इसका उपयोग किया जाता है धातुओं को क्लीन करने के लिए। कुछ कुछ ऐसे मेडिकल में उपयोग में लाए जाने वाले कलपुर्जे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली साफ नहीं कर सकते, उस तरीके से घिस कर जैसे हम बाकी पुर्जों की सफाई करते हैं, उस तरीके से हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड का। और अल्ट्रासोनिक साउंड की सहायता से इन पुर्जों को साफ किया जा सकता है। इन पुर्जों को हम इस अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करने वाले उपकरण में रख देते हैं, और इस उपकरण में होता है एक विलयन, और जब ये उपकरण अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इस विलयन के अंदर कणों में भी कंपन उत्पन्न हो जाता है, और इस कंपन की सहायता से ही जो इस कलपुर्जों में धूल के कण चिपके हुए रहते हैं वो भी कंपन करते हुए इन कलपुर्जों से अलग हो जाते हैं, और इस प्रकार ये पुर्जे साफ हो जाते हैं। अल्ट्रासोनिक ध्वनि का, साउंड का उपयोग मेडिकल फील्ड में किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी का नाम आपने सुना होगा बच्चों, इसकी सहायता से हृदय की जांच की जाती है। इको शब्द भी आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। इको का मतलब होता है ध्वनि का वापस लौट कर आना, या फिर हमारी आवाज़ वापस हमको सुनाई देना। आपने देखा होगा जब यदि हम पहाड़ के एक कोने पे खड़े होकर चिल्लाते हैं तो हमको हमारा नाम ही सुनाई देता है, क्योंकि ये आवाज़ पहाड़ दूसरे पहाड़ पे जाके टकराती है, और वहाँ से जब लौट के आती है तो हमको अपनी ही आवाज़ सुनाई देने लगती है। कभी कभी आपने इसको अपने घर के कमरों में भी महसूस किया होगा, जब पूरा घर खाली रहता है, कमरे की दीवारें खाली रहती हैं, तब आप बोलने का प्रयास करते हैं तो आपको एक झनझनाहट सी महसूस होती है, यानी कि अपनी ही आवाज़ अपने कानों में गूंज रही है, ऐसा महसूस होता है, और इसको हम कहते हैं इको। तो जब इको कार्डियोग्राफी किया जाता है तो यहाँ पर भी हृदय में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ही भेजे जाते हैं, और ये हृदय के कंपन का पता लगाते हैं, और इससे पता चल जाता है कि हमारा हृदय ठीक तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं, उसमें कोई कमी या खराबी तो नहीं आ रही है। इको कार्डियोग्राफी में जो साउंड वेव्स जाते हैं वो हृदय से टकराते हैं, और ये जो अल्ट्रासाउंड होते हैं
जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होते हैं, इनकी खासियत होती है कि ये कंपन कर रहे वस्तु से जब टकराते हैं तो ये विशेष तरीके से गति करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं, ये वापिस आते हैं। तो इसको हम स्टडी करते हैं, ये जो साउंड वेव है इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में जब कन्वर्ट किया जाता है तो आप देखते हैं कि आप इसको मॉनिटर पे भी देख सकते हैं, डॉक्टर्स मॉनिटर पे इसको दिखाते हैं, या फिर इसकी हार्ड कॉपी भी मतलब इमेज बनाकर आपको दी जाती है। और इसका उपयोग आप देखेंगे बच्चों अल्ट्रासाउंड में भी किया जाता है। जब आपको आपके शरीर के अंदरूनी हिस्से में प्रॉब्लम बताया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो डॉक्टर पहले सजेस्ट करते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। अब जब अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर एक स्पेशल मशीन के द्वारा आपके बॉडी में कुछ वेव्स भेजे जा रहे हैं, वो आपको सुनाई नहीं देते, वास्तव में वो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, यानी कि ये पराश्रव ध्वनि होती है जो आपके बॉडी से पार होकर अंदर चली जाती है, मतलब अंदरूनी हिस्से तक जाती है, और जब उस अंदरूनी हिस्से से टकराकर वापस आती है, डिटेक्ट किया जाता है, तो उसका इमेज आप मॉनिटर पर देख सकते हैं। इन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की सहायता से माँ के गर्भ में पल रहे भ्रूण की भी जांच की जाती है, और जन्मजात जो दोष उस भ्रूण में उत्पन्न होने वाले हैं उसका पता लगाया जा सकता है। भ्रूण में वृद्धि हो रही है या उनमें कोई कमी है, वो कुपोषित है, इन सारी चीज़ों का पता इन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की सहायता से लगाया जा सकता है। और इसी की सहायता से ही आपके किडनी में, गुर्दे में, पैनक्रियाज में, यूटरस में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है। इस अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव है इसका एक्चुअली कन्वर्शन होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और उसके बाद तभी आप उसको मॉनिटर पे देख सकते हैं या फिर उसकी हार्ड कॉपी निकाल के देखी जा सकती है, जिसकी सहायता से कोई भी प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जा सकता है। बच्चों, किडनी में यदि स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि पथरी की प्रॉब्लम हो जाती है, उस समय भी इस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का उपयोग किया जाता है। इनकी आवृत्ति अधिक होती है, और ये अधिक आवृत्ति यानी अधिक ऊर्जा वाली साउंड वेव्स यदि आपके किडनी के स्टोन पर डाले जाते हैं तो उनकी ऊर्जा के कारण ये स्टोन टूट जाते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, और फिर आसानी से मूत्र की सहायता से वो बाहर निकल जाते हैं। तो किडनी में हुए पथरी का इलाज करने के लिए भी इस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का इस्तेमाल दूरी ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। बच्चों, आपने सोनार का नाम सुना है, सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसकी सहायता से हम पानी के अंदर किसी भी वस्तु का पता लगा सकते हैं। आपने देखा है बच्चों, पनडुब्बी पानी के अंदर ही तैरती है और उसके सामने आने वाली चट्टानों से वो दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती, उसको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि सामने चट्टान है या फिर कोई जीव जंतु है, और पहले ही उसका डायरेक्शन मोड़ लिया जाता है। तो ये पता कैसे चलता है, क्योंकि पानी के अंदर हमें तो दिखाई नहीं देगा, पनडुब्बी से कैसे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे सामने कोई पर्वत है या कोई स्टोन है, चट्टान है या फिर कोई वस्तु है। तो इन पनडुब्बियों से हम सोनार भेजते हैं, यानी कि साउंड वेव भेजते हैं, और ये साउंड वेव ये पराश्रव्य साउंड ही होते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव ही होते हैं। इनकी आवृत्ति अधिक होती है, ये पानी में गमन करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। जब इनके मार्ग में कोई वस्तु आ जाता है, कोई चट्टान या कोई जीव जंतु, तो ये टकराकर वापस आती है। भेजते हैं जब इन साउंड वेव को, तो हम ट्रांसमीटर के जरिए भेजते हैं। जब ये वापस आती है तो उस पनडुब्बी में लगे रिसीवर के जरिए ये रिसीव हो जाते हैं, और इन सब की सूचना संसूचक को प्राप्त हो जाती है, यानी कि यहाँ पर लगा होता है एक डिटेक्टर, और डिटेक्टर की सहायता से हम साउंड वेव्स को वापस प्राप्त कर लेते हैं। और इसकी सहायता से ही हम पानी के अंदर वस्तु कितनी दूर में है इसका पता लगा सकते हैं। सोनार, सोनार का अर्थ है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक ऐसी युक्ति है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग कर जल में स्थित अवरोधक पिंड की दूरी, दिशा तथा चाल का मापन करती है, ताकि जहाज द्वारा संभावित खतरों की पहचान कर उनसे बचाव किया जा सके। आइए देखें यह कैसे कार्य करता है। सोनार में एक प्रेषित्र
अर्थात ट्रांसमीटर और एक संसूचक अर्थात रिसीवर होता है जो जहाज की निचली सतह पर लगाया जाता है। ट्रांसमीटर पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है और उसे भेजता है। ये तरंगे जल में गमन करती हैं तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती हैं। इन परावर्तित तरंगों को रिसीवर द्वारा ग्रहण कर विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। एक कंप्यूटर उस अवरोधक पिंड का चित्र बनाता है और उसे मॉनिटर पर दिखाता है। वह उस पिंड की दूरी की गणना भी करता है, जिसके लिए सूत्र दूरी बराबर चाल गुणित समय बटे दो का उपयोग करता है, जहां खारे पानी में ध्वनि की चाल बराबर 1530 मीटर प्रति सेकंड है। सभी जहाजों में सोनार युक्ति लगी होती है, जिससे समुद्र की गहराई का मापन एवं जल में स्थित पहाड़ियों, घाटियों, सबमरीन्स, हिमशैल, डूबे हुए जहाजों का पता लगाया जा सकता है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव किया जा सके। मान लीजिए इस साउंड वेव की चाल v है और ये पानी के अंदर गमन कर रही है। इसके रास्ते पर कोई अवरोध आया, मान लीजिए ये अवरोध d दूरी पर है, तो जब ये इस अवरोध से टकराएगी तो ये वापस आएगी। जितनी दूरी जाने में तय की इसने, उतनी दूरी वापस आने में भी तय की, तो यहाँ पर इसकी कुल दूरी हो जाएगी डी प्लस डी, यानी कि 2D। अब हम इस तरंग के जाने और आने में जो समय लगा उसे नोट करते हैं। मान लीजिए लगने वाला समय टी है, तो हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तो वी बराबर लिखेंगे 2D/T। और इस सूत्र से हम देखें तो D बराबर हो जाएगा VT/2, यानी कि हमें इस अल्ट्रासोनिक वेव का यदि वेग पता हो, इसे जब ट्रांसमिट किया और जब रिसीव किया हमने वो समय मालूम हो, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वस्तु हमसे कितनी दूरी पर मौजूद है। और इसी की सहायता से ही पनडुब्बी के सामने आने वाली अवरोधों का, वस्तुओं का पता लगाया जाता है। और ये जब अल्ट्रासाउंड वेव टकराकर वापस आते हैं, जब इनको डिटेक्ट किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। और इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का पैटर्न को स्टडी करके हम वस्तुओं की दूरी का पता लगा सकते हैं। और इसीलिए ही चमगादड़ को भी पता चल जाता है अंधेरे में कि उससे कीट पतंगे कितनी दूरी पर हैं, क्योंकि ये जो चमगादड़ है ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जब इनके मार्ग में कोई कीट पतंगे आ जाते हैं तो इनके साउंड वापस आते हैं। उस साउंड को ये सेंस कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, और उसकी सहायता से ये पता लगा लेते हैं कि कीट पतंगे उनसे कितनी दूरी पर हैं। तो देखा बच्चों आपने कि सूत्र की सहायता से हम किस प्रकार वस्तु की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो चलो इस सूत्र की सहायता से हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न: एक अनुसंधान टीम द्वारा समुद्र की गहराई में सोनार संसूचक से सिग्नल प्रेषित किया जाता है। सिग्नल 6 सेकंड में वापस प्राप्त हो जाती है। यदि समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर प्रति सेकंड हो तो समुद्र की गहराई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले यह मान लेते हैं कि समुद्र की गहराई d मीटर है, अतः सिग्नल द्वारा तय की गई दूरी 2D होगी, क्योंकि यह सिग्नल समुद्र की गहराई तक जाएगा और उसके बाद वापस उतनी दूरी तय करते हुए रिसीव होगा। तो इस सिग्नल के द्वारा तय की गई कुल दूरी 2D होगी। इस सिग्नल के जाकर वापस आने में लगने वाला समय 6 सेकंड है। ध्वनि की चाल 1500 मीटर प्रति सेकंड है। चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर होगा चाल इंटू समय। दूरी हमने 2D लिया है, चाल है 1500। अब इसको गुणा करेंगे हम समय से, यानी कि 6 सेकंड से, तो d बराबर होगा 1500 × 6/2। अतः समुद्र की गहराई d बराबर हो जाएगी 4500 मीटर। यदि इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो हम इसे 1000 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 4500/1000।
उसे सॉल्व करेंगे हम तो ये होगा 4.5 किलोमीटर। तो इस प्रकार समुद्र की गहराई 4.5 किलोमीटर होगी। हमने सीखा, स्रोत के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में क्रमशः संपीड़न एवं विरलन के रूप में संचरित होती है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दो क्रमागत संपीड़न तथा विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ध्वनि की चाल इज इक्वल टू आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। वी इज इक्वल टू एन लैम्डा। मानव में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। श्रव्यता परास से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य तथा अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराध्वनि कहते हैं। इसे चिकित्सा तथा प्रौद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग में लिया जाता है। सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। मुख्य बिंदु की वर्ड्स विक्षोभ, डिस्टर्बेंस, तरंग, वेव, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, श्रव्यता परास, हियरिंग रेंज, आयाम, एम्पलीट्यूड, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, संपीड़न, कंप्रेशन, विरलन, रेयरफैक्शन।